हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, फीवर आ गया है मुझे और दवा लेकर मैं सोई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? और मेरी तबीयत तो गड़बड़ा गई है, फीवर हो गया है और सिर में दर्द, काफ़ी सिर में दर्द है और मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ। सुबह से मैं बिस्तर पे हूँ, डॉक्टर को दिखाई हूँ, सुई लगा है इस वाले हाथ में। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर सुई लगा है फीवर का, पर अभी जो है सर का दर्द नहीं जा रहा है और शाम के 7 बज रहे हैं। अब देखती हूँ आगे अगर कुछ बना पाऊँगी तो बनाऊँगी, वरना ब्लॉग जो है यहीं पर एंड कर दूँगी। और बिल्कुल हिम्मत नहीं लग रहा है कि मतलब मैं कुछ भी कंटिन्यू करूं। और ये देखिए हलवा आया है खाने के लिए, कि दवा खाना है ना, तो हलवा खा के दवाई खाऊंगी अभी फिर से। 7 बजे दवा खाना है तो अभी मैं हलवा खा लेती हूं और फिर देखती हूं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी तो करूंगी, वरना ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स। तो छोटी वाली सिस्टर सभी को हलवा दे देती है, सब बच्चों को। और ये देखिए सब बच्चे ऐसे ही सोए हैं। घर में सभी का तबीयत कुछ ना कुछ खराब है, किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है। और ये देखिए लाडो यहाँ मंदिर में आके कुछ करती है, वो हमेशा मंदिर में आ जाएगी और सारे जो डब्बे हैं उसको इधर उधर करती रहेगी। ये देखिए पूरा सिंदूर बिखरा देगी ये पता नहीं क्यों बार बार मंदिर में ही आ जाती है। और जो तीसरे नंबर वाली सिस्टर है वो खाना बना रही है। आज मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई हूँ, सुबह से ही मैं सोई थी क्योंकि फ़ीवर काफ़ी तेज़ फीवर आया था। और दवा जो है, दवा भी मुझे सूट नहीं कर रहा है, यहाँ का सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो रात का डिनर है उसमें बन रहा है आलू गोभी का सब्ज़ी रोटी, बस। क्योंकि सभी का घर में तबीयत ख़राब है तो चावल नहीं बनेगा, सिर्फ रोटी सब्जी ही बनेगी और दाल बनेगा। तो अभी जो है गोभी है जो है वो फ्राई हो गई है और अब प्याज को भी फ्राई कर लेगी। फिर इसमें प्याज हल्का सा ही मतलब सौते करेगी, ज़्यादा इसे भुनेगी नहीं वो। फिर इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, सूखा मसाला जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब डाल देगी। फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और थोड़ी देर इसे जो है भून लेगी। जब ये भून जाएगा, तेल ऊपर मतलब छोड़ देगा अच्छी तरीके से, तब फिर इसमें पूरी सब्जी को डाल के और टमाटर डाल के और फिर ढक के छोड़ देगी पकने के लिए। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स, अभी भी मेरा तबीयत जो है वो सही नहीं है। तो अगर कुछ आगे पीछे बोल दूँगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और अभी देखिए मसाला जो है वो भुन गया है, तो अब इसमें सब्जी डाल देगी। और इस समय खाना भी नहीं अच्छा लग रहा है, तबीयत ख़राब की वजह से बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, हिम्मत तो नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया है। तो ये देखिए अब आलू गोभी डाल के अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करके ढक के छोड़ दूँगी। इधर आटा गूंथ गया है और भिंडी की भी भुजिया बनेगी, जो आलू गोभी नहीं खाएगा वो भिंडी का भुजिया खाएगा। और दूसरी तरफ कुकर में दाल है और यहाँ पे देखिए आटे को अच्छी तरीके से छमा मल रही है, क्योंकि आटा ऐसे ही पानी डाल के वो छोड़ दी थी, तो अभी उसे सॉफ्ट कर रही है वो। तो अभी जो है सब्जी थोड़ी सी पक गई है, यहाँ दाल भी बन गई है और सब्जी भी देखिए आलू जो है वो अभी सॉफ्ट भी हो गए हैं हल्के से, थोड़ी देर बाद सब्जी भी बन जाएगी। और इस बार तो सभी की तबीयत ख़राब हो गई है, बच्चों को भी, सबको, कुछ ना किसी को खांसी सर्दी यही सब है घर में सबको। तो दवा लेके आई हूँ पर दवा पता नहीं क्यों सूट नहीं कर रहा है, हर बार तो सूट कर देता था। और मायके में आती थी, कभी ऐसा तबीयत नहीं ख़राब होता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रहा है। और
आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस सिस्टर लोग ही खाना बना रही थी। मैंने बस थोड़ा सा सूट कर लिया जो डिनर था, और अभी मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं हलवा खाने के बाद और दवाई खाने चली गई थी, खाना मैं बहुत बाद में खाई थी। तो ये मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन मुझे खाने को मिली है, डॉक्टर साहब ने दी है, पर ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। कल दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी और जांच भी करवाऊंगी, मलेरिया, टाइफाइड और सीबीसी का। देखती हूँ, शायद प्लेटलेट तो नहीं कम हो गया है। तो अभी मैं दवा भी खा लेती हूँ और फिर मैं तुरंत सो गई थी। मैं खाना भी नहीं खाई थी रात का, कि हलवा खाने के बाद दवा खा के सो गई थी। तो आज का व्लॉग ज़्यादा मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, बस थोड़ा सा ही रिकॉर्ड की थी। मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मिलते हैं।